अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनोद चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील चारिसमुल्ला भागातील रहिवाशी अफजल खान महमूद खान यांच्या घरी दिनांक 18 नोव्हेंबर बुधवार रोजी मध्यरात्री चोरट्यांनी 5 लाख रुपये किमतीच्या ऐवजावर डल्ला मारला आहे। चोरीच्या दुसऱ्या दिवशी अफजल खान महमूद खान यांच्या 2 मुलींचे लग्न होते, तर लग्नाच्या आदल्या दिवशी हा चोरीचा प्रकार घडला असून नवरीचे दागिने, नवरीचे कपडे, नवीन संसार उपयोगी वस्तू तसेच वऱ्हाडी मंडळींचे नवीन कपडे अशा 5 लाख रुपयांची चोरी झाली आहे। सदरच्या चोरीची तक्रार जामनेर पोलीस स्टेशनला केल्यानंतर गोपनीय माहितीच्या आधारे जामनेर पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक प्रताप इंगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली जामनेर पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक किशोर पाटील व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अवघ्या 12 तासात आरोपीला अटक करून त्याच्याकडून 1,28,000 रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेतला आहे। त्याच भागात राहणाऱ्या हर्षल शेख रोम असे या आरोपीचे नाव असून त्याच्या विरोधात जामनेर पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, तर आरोपीला न्यायालयात हजर करून पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे। ये एगेनिक फरस, ये बैग के अंदर, इसके अंदर डागिना रखी था, इसमें तो पूरा डागिना लेके गए उन्होंने, और ये बैग में से पूरा के पूरा पर्स लेके गए साहब। ऐसा एक पर्स लेके पूरा पूरा पर्स लेके ये इसमें से पूरा डागिना खाली कर लिया उसने, और ये पूरा इसमें से पूरा पर्स लेके। रोक रकम कितनी थी? क्या रोक रकम कितनी थी? रोक पैसे कैश नहीं थे, डागिना था, सब डागिना था, सब डागिना था। तकरीबन कितने का था वो डागिना? कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का, दोनों लड़कियों का। और कपड़े? कपड़े से 1,70,000 रुपए के आसपास। और अपने वहाँ कुछ शादी प्रोग्राम? और अंडे कल से वो डिनर सेट लेके गए, ये ऐसा ये वॉश का ये लेके गए, उठा के पीतल के बर्तन लेके गए। मतलब आपने घर को शादी थी? कल शादी है ना मेरे वहाँ? कल शादी है, कल शादी है। लड़की की? लड़की की है? दोनों लड़कियों की, लड़कियों दो लड़कियों की शादी है। चालीस मोहल्ला आज अफजल खान की लड़की की, दो लड़की की शादी थी। दहेज और दागीने और कपड़े लत्ते का सामान एक घर में जमा था। रात में 12-12:30 बजे के बाद ये सामान पूरा चोरी हो गया, और ऐसे ही गए हादसे जामनेर में हो रहे हैं। शादी कल लगना है, सारा सामान शादी की जो भी सामान लगना है सब खत्म हो गया, सब चोरी हो गया। अब सामने वाला ऐसा गरीब आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए कहाँ जाएगा? इसमें पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की अलगर्जी पर से ये हादसात हो रहे हैं। चोर पकड़े जाते हैं, कुछ लेन देते छोड़े जाते हैं। ऐसा अगर होता रहा तो गरीब आदमी इंसाफ के लिए कहाँ जाए? जो चोरी हुई आपको किसी पे शक है क्या? कुछ नाम शक क्या दे सकते हम? अब किसका नाम देंगे? ऐसा कोई रिश्तेदार में कुछ नहीं, रिश्तेदार तो ऐसा कोई नहीं। रिश्तेदार तो मदद करने के लिए आते, चोरी करने के लिए आएंगे। रिश्तेदार किसी की चोरी करने? और ये 40 मोहल्ला ये गली ऐसी है कि यहाँ पर जो है कम से कम रात को 2-2:30 बजे सब लोग जागते रहते हैं।
हाँ एक ही परिवार के लोग रहते थे, मेरे परिवार के सब जागते रहते, बिल्कुल बाहर का आ नहीं सकता इधर। ऐसा कोई डाउट किस पे? डाउट आपको पुलिस का काम है निकालना, हम डाउट किस पे करेंगे? यह पुलिस का काम है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करें और हमारा गया मुद्दा माल वापस लाके हमारी शादी का कार्यक्रम ना हो, रद्द ना हो, ऐसा प्रशासन ने कदम उठाना चाहिए। कितने का माल गया तुम्हारा? हमारा टोटल जो है 7.5 से 8 लाख रुपए का माल गया, जिसमें कपड़े, जेवरात, दागिने, दहेज के सामान सब थे। यहाँ कोई था क्या? ये लॉक किया हुआ था, ये लॉक किया हुआ था और बाजू में इधर जो है ये रहते मेन शादी वाले। तुमको ऐसा कुछ एहसास हुआ रात में पढ़ने के लिए? नहीं। क्या हुआ? दास से। किने? अरशद ने। हाँ। मैं उसको घर में लाने गया। काय के बारे में लाने गया उसको? मैं हमारे घर को शादी थी, हमारे को चोरी का मालूम पड़ा उसको। हाँ। उसने चोरी करा रात को, 2-3 दिनों ने देखे। हाँ। हम उसके घर को गए पुलिस वालों ने। हाँ। हम पुलिस वाले हम सब साथ में गए, मैंने उसको पकड़ा, उन्होंने भागने के वास्ते मेरे को चापा, पुलिस वालों के बाजू से निकलने का सोच रहा था, उन्होंने मेरे को चापा, चाप के मैंने उसको साथ में लाया घर तक का, ये यहाँ पुलिस स्टेशन तक का लाया। उन्हें कैसी का चोरी करा तुमको पक्का यकीन है? पूरा पक्का करूँगा। हमारे पास उसके पास कुछ मिला? सब सामान मिला उसके घर में से, पूरा सामान उसके पास, पूरा सामान उसके घर में मिला। अभी वो कहाँ है? अभी वो पुलिस स्टेशन। 40 मोहल्ला जामनेर या भागात राहणारे फिर्यादी अफजल खान मोहम्मद खान वय 46 वर्ष, इलेक्ट्रिकचे दुकानदार, यांच्या मुलीचे लग्न दिनांक 19/11/2020 रोजी होते, म्हणून त्यांनी नवरीचे कापड व इतर लग्नाचे नवीन कापड 1,44,000 रुपयाचे खरेदी करून बाजूच्या रूममध्ये ठेवले होते। घराला कुलूप वगैरे लावण्यात आले होते। या दरम्यान दिनांक 18/11/2020 रोजी रात्री दरम्यान कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने घराचे कुलूप तोडून घरातून नवरीचे कपडे व इतर वराडी मंडळीचे कपडे चोरून नेले। याबाबतची माहिती पोलीस स्टेशनला मिळाल्यानंतर तात्काळ पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक श्री किशोर पाटील, त्यांच्यासोबत हेड कॉन्स्टेबल रियाज शेख, पोलीस कॉन्स्टेबल निलेश भुगे, हेड कॉन्स्टेबल वाघमोडे असे तात्काळ घटनास्थळी गेले व त्यांनी घटनेचा सविस्तर आढावा घेऊन त्या ठिकाणी सविस्तर पंचनामा केला। त्यानंतर गोपनीय माहितीचे आधारे मिळालेल्या माहितीनुसार त्या भागात राहणारा गुन्हेगार हर्षद शेख रो यांच्या घराची घर जप्ती घेतली असता त्यांच्या घरी 1,35,000 रुपयाचे नवरीचे कापड व इतर कापड मिळून आलेले आहे। या प्रकरणामध्ये दागदागिनेसुद्धा चोरी गेल्याचे फिर्यादीने सांगितलेले आहे। याबाबत पोलीस स्टेशनला अपराध क्रमांक 315/2020 कलम 457-380 बादवीप्रमाणे गुन्हा नोंद करण्यात आलेला असून आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे। आरोपीला माननीय न्यायालयासमोर उद्या हजर करून आरोपीचा पिशार घेण्यात येतो व इतरही गुन्हे उघडकीस आणण्यात येतात। मी परत याद्वारे सर्व जनतेस आवाहन करू इच्छितो की घराला कुलूप लावले म्हणजे घर सुरक्षित आहे असा गैरसमज करून घेऊ नका। घरामध्ये कोणतेही मौल्यवान वस्तू, दागदागिने, रक्कम ठेवून बाहेर जाऊ नका किंवा बाहेर झोपू नका। आपल्या दागदागिने आणि रोख रकमेची आपण काळजी घ्या। धन्यवाद। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।